तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा ब्राह्मण? मैं रत्नाकर हूँ। मैं नारद हूँ रत्नाकर। अगर है शौक मिलने का तो हर दम नौ लगाता जा, जला कर खुद नुमाई को भसम तन पर लगाता जा। आप फकीर कहाँ, आपके पास तो खजाना है। पर सबसे बड़ा खजाना तो है वेद, उपनिषद, पुराण। मन में रहो नहीं ठोर, नंद नंदन अचत कैसे आनिए उर्योर। काशी तो मैं भी जाना चाहता हूँ पंडित जी। बगावत है ये, बगावत मेरे खिलाफ, मुगलिया सल्तनत के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, और इसकी सजा मिलेगी। कौन है वो मनुष्य जो देवताओं से परे है? उत्तर दो विदग्ध। मैं आपके लिए गाता हूँ, पर गुरुदेव मैं तो मेरे बादशाह की शान में बंदगी पढ़ता हूँ, जो बादशाहों का बादशाह है। उन्हें ना मूल्यांकन का भय है, ना अपयश का, और ना ही असफलता का। मनुष्य के धन की प्यास कभी बुझने वाली नहीं, इसलिए मुझे तो आप वही ज्ञान दें जिसे पाकर मनुष्य अमर हो जाता है। ता, कहाँ है तेरा जगत का स्वामी? वह सर्वत्र है पिता। अभी इसी समय मैं तेरा सिर थड़ सलक किए देता हूँ, देखता हूँ वह तेरा सर्वस्व हरि कैसे तेरी रक्षा करता है। क्या अपनी स्त्री की कामना में लज्जा आनी चाहिए? मेरे इस हार्ड मास के शरीर से जितना प्रेम आप करते हैं ना, उतना ही प्रेम यदि आपने श्री राम से किया होता तो आज ये भवसागर पार कर जाते। देत आशीष सूर चिर जीवो, राम चंद्र रन धीर रघुकुल प्रगट है रघुवीर। नहीं बनना मुझे मगध का सम्राट। चंद्रगुप्त, क्या सम्राटों को सुखी नहीं होना चाहिए? मूर्ख, सुख शिक्षक और सम्राटों के भाग्य में नहीं होता। हरिश्चंद्र, दान दिया है तो दक्षिणा कौन देगा? इस जन्म में मैं तो सिर्फ कृष्ण की ही आराधना करूंगी। ये वेद, पुराण, उपनिषद, कोई रिलेवेंस नहीं आज उनका। इस धरोहर के नाम पे गंगा के घाट पर लोगों को चंदन का तिलक लगाते, गंगा में डुबकी लगवाते, आप जैसे सैकड़ों लोग आज भीख मांग रहे हैं। मैं एक धनवान ब्राह्मण हूँ। धनवान ब्राह्मण? मैंने तो आज तक निर्धन ब्राह्मण ही सुना था।